उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण के संयुक्त तत्वावधान में कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ICAR के उप महानिदेशक डॉक्टर RC अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को कृषि की नवीनतम तकनीकों की विस्तार से जानकारी दी गई। इतनी अच्छी टेक्निक्स आ रही हैं हमारे पास कि किस तरह से आपको कम लागत में ज़्यादा पैदावार ली जाए, और उसी दिशा में जो ये नेचुरल फार्मिंग प्राकृतिक खेती जो हमारी भारत सरकार जिसको कि प्रोत्साहित कर रही है उसमें भी बहुत सारा गुण छुपे हुए हैं और उसका सीधा सीधा संबंध हमारे नेचुरल फार्मिंग या प्राकृतिक खेती से है। आज वो दिन आया है जब हमारे पास सभी खाद्यान्नों का, चाहे मैं तिलहन और दलहन की भी बात करूं, तो प्रचुर भंडार अब तिलहन का भी और दलहन का भी हमारे पास मौजूद है। और जहां तक गेहूं और चावल की बात है तो आप लोगों ने देखा होगा गेहूं और चावल तो की तो ये स्थिति है कि हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं है। महाराणा प्रताप के नाम से जो कृषि विश्वविद्यालय बनाया हुआ है उसका बहुत ही अच्छा योगदान है कृषि शिक्षा में, और पहले से ही हमने जो एक हमारी बहुत अच्छी परियोजना है राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना जो दे रखी हमने, वर्ल्ड बैंक की स्कीम है, तो उसमें यहाँ के बच्चों को हम विदेश भेज रहे हैं। मिलेट महोत्सव का आयोजन किया और उस मिलेट महोत्सव में जो हमारे मुख्य अतिथि हैं वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के माननीय उप महानिदेशक परम आदरणीय डॉक्टर RC अग्रवाल साहब यहाँ पधारे हुए हैं। यद्यपि हुए विश्वविद्यालय में उनका आना हमारे लिए बहुत ही शुभ है। जो भी हमारा FPO है उसके तहत अभी हम जयपुर के अंदर जो प्रोग्राम हुआ एक दिवसीय मेला लगा उसके अंदर हमारे सारे प्रोडक्ट की प्रदर्शनी हमने लगाई है, और अभी हम बहुत सारे प्रोडक्ट अभी और नए लेके आए हैं। अल्टीमेट क्वालिटी के ऊपर इतना ज़बरदस्त काम हो रहा है कि जितने भी प्रोफेसर अभी यहाँ यूज कर रहे हैं जयपुर के अंदर वो खुद यहाँ आए थे, उन्होंने बताया कि भाई आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और नए जो प्रोडक्ट अभी हमने मसाले पे हम उतरे हैं, साबुन वगैरह दालें वगैरह जो लेके आए हैं वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखा रहा है। और मैं सभी को एक ही मैसेज दूंगा कि आज भारत सरकार केंद्र राज्य दोनों की मिलाकर के जो योजना है FPO उसके अंदर हर किसान को पार्टिसिपेट होना चाहिए ताकि उनको अपनी वैल्यू एडिशन होकर के ज़्यादा प्रॉफिट वो ले सकता है।